इस वक्त की बड़ी जानकारी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश की जसवंत नगर सीट से। आपको बता दें जसवंत नगर में शिवपाल यादव ने जीत हासिल कर ली है। कहीं ना कहीं जसवंत नगर समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा है, ऐसे में जीत हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल करी है। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के सिंबल से यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल कर ली है। अगर देखा जाए तो लगातार शिवपाल यादव अच्छी बढ़त बनाए हुए थे सुबह से ही, ऐसे में अब उन्होंने जीत हासिल कर ली है। 89,000 वोटों से शिवपाल यादव ने जीत हासिल की है। करहल विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी जीत हासिल की है और कहीं ना कहीं सुबह से ही बढ़त बनाए हुए वो चल रहे थे, ऐसे में अखिलेश यादव ने एसपी सिंह बघेल को शिकस्त देते हुए यहाँ पर जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो फाजिल नगर सीट से उन्हें करारी शिकस्त मिली है। शिकस्त मिलने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे, चुनाव हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारे, कहीं ना कहीं बड़बोल बात कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य और ऐसे में उन्हें करारी शिकस्त मिली है, अब वो चुनाव हार चुके हैं। फिलहाल जसवंत नगर से शिवपाल यादव ने बड़ी जीत हासिल की है। लगा कहीं ना कहीं देखा जाए शिवपाल यादव तो खुश होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। शिवपाल यादव की जीत के बाद सपा समर्थकों में खुशी देखने को मिली है। वहीं आपको बता दें शिवपाल यादव ने भी जीत के बाद जनता का आभार व्यक्त किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी शिवपाल यादव नाखुश हैं। नाखुश क्यों ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार भारी बहुमत से भाजपा की बन रही है। भाजपा की सरकार लगातार बढ़त के साथ बनती चली जा रही है। अभी हालांकि सारी वोट नहीं खुल पाए हैं, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी नहीं चला, ऐसे में काफ़ी करारी हार समाजवादी पार्टी को देखने को मिल रही है। फिलहाल जसवंत नगर से शिवपाल यादव जीत चुके हैं।